अरे क्या हो गया भाभी? लगता है हमारी सहेली की वजह से हमें भी जुखाम हो गया है। ओहो, आजकल सभी के घरों में यही प्रॉब्लम है। बुखार, सर्दी, खांसी सर्दियों की वजह से तो होता ही रहता है, और मौसम बदलने का झंझट और अलग। लेकिन इसके इलाज के लिए भी कुछ नुस्खे हैं हमारे पास। बुखार और जुकाम से छुटकारा पाने के तरीके के लिए चाहिए एक बेल का पत्ता, एक तुलसी का पत्ता, 2 से 3 साबुत काली मिर्च, 8 से 10 साबुत धनिया, 2 से 3 साबुत चीनी, 1/4 अजवाइन, 1 टुकड़ा अदरक, 1 टुकड़ा ज्येष्ठी मधु यानी मुलेठी। अब बस पानी में सारी सामग्री डाल के उबालें। पानी आधा होने पर गैस बंद कर दें। इसे ऐसे ही लें या दूध में मिलाकर पिएं। अगर घर में बच्चे हैं तो 1 साल से कम की उम्र के बच्चों को आधा चम्मच, 1 साल से ज्यादा की उम्र के बच्चों को 1 चम्मच और बड़ों के लिए आधा कप। फिर देखिए बुखार और जुकाम दोनों में आराम आ जाएगा। बस एक चीज याद रखिएगा, इसे लेने के बाद तुरंत पानी ना पिएगा। और बच्चों की बात कर ही रहे हैं तो उन्हें अक्सर दस्त की भी प्रॉब्लम हो जाती है, तो उसके लिए भी एक आसान नुस्खा है हमारे पास। सौंठ यानी सूखी अदरक, घी और चीनी, बराबर मात्रा में सौंठ, घी और चीनी मिला लें। मिश्रण तैयार है। 1 साल से कम उम्र वाले बच्चों को 1/4 चम्मच मिश्रण दें, 1 साल से ऊपर के बच्चों को 2 छोटे चम्मच और बड़ों को 4 छोटे चम्मच दे सकते हैं। ये नुस्खे हमेशा काम आते हैं, और सर्दी का मौसम है तो आप अपना और अपने बच्चों का जरूर ख्याल रखिएगा। ये तो काफी पुराने नुस्खे हैं जो घर घर में लोग इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन कभी कभार भूल जाते हैं। हम तो बस इन्हें आपको याद दिला रहे हैं। ऐसे ही कई सारे नुस्खे आपको फिर कभी बताऊंगी।